आज हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ आरएस अग्रवाल। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल और टोटल 4 इसके पहले हमने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया और इसके साथ दो कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग सीख चुके हैं। और वो जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उसके बारे में एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। जैसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये था जिसको आज मैं फिर से रिकॉल करा दूंगा। हमें मान लीजिए एक पॉलिनोमियल पता नहीं है बट उस पॉलिनोमियल के दो जीरोज के बारे में पता है, तो कैसे उस पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे? तो उसके लिए ये रहा हमारा, इसको हम लोग फिर से एक रिपीट मोड में देख लेंगे। और साथ में एक और कॉन्सेप्ट दैट अगर हमारे अल्फा और बीटा एक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं तो ये दो कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई करवाना है। ये दोनों कंडीशंस बोले तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए। तो इस पे तो अभी हम लोग आएंगे, बहुत से क्वेश्चंस बनाने हैं। अभी का जो एग्जांपल नंबर 5 है वो इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिसमें दो जीरोज गिवन रहेंगे, आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है। तो चलिए डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हालांकि इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 इसमें बोला जा रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक था फाइंड द जीरोज बट अभी यहां क्या है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोज आर -5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। तो मान लिया जाए इसमें जो गिवन है दैट सम ऑफ जीरोज -5 है एंड साथ में जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो 6 है। तो दोनों को एक बार आप लिख लेंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और इसका सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जीरोज क्या है और पॉलिनोमियल क्या है मुझे ये भी नहीं पता है, लेकिन सम ऑफ जीरोज पता है। तो मान लेते हैं हम लोग लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लिया जाए दैट अल्फा एंड बीटा हमारे पॉलिनोमियल के जीरोज थे। तो देखो सम ऑफ जीरोज है -5 यानी कि जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा करेंगे सम ऑफ जीरोज तो गिवन है -5 और साथ में गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 6 यानी कि जब आप इन जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं इट मींस अल्फा इनटू बीटा करते हैं तो ये हमें मिलता है 6। तो ये था हमारा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब फाइनली बोला गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है इसमें। तो देयरफॉर मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, अब भी एग्जाम में ऐसा ही लिख सकते हो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाई, इसका एक फॉर्मूला होता है मैं पहले भी लिख चुका हूं एक बार फिर से लिख देता हूं। तो पहले पॉलिनोमियल को आप कुछ कंसिडर करेंगे, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल को fx, gx, mx कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मान लिया जाए हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल fx है और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको मैं लिखता हूं। तो आप यहां लिखेंगे x स्क्वायर, यहां लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। इट मींस अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा यानी कि दोनों जीरोज गिवन है और पॉलिनोमियल नहीं गिवन है तो आप आराम से उस पॉलिनोमियल को निकाल सकते हो, कैसे? इस फॉर्मूला का यूज करके। चलो हम लोग देखते हैं कैसे आखिर। तो इक्वल टू के बदले लिखा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो कितना है हमारा -5, तो यहां लिख दिया साथ में -5 और एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है अल्फा इंटू बीटा हमारा 6 है, तो उसके बदले हमने यहां पे लिख दिया 6 है ना। तो देयरफॉर फाइनली हम लोग fx क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर को x स्क्वायर कर दिया माइनस और माइनस हो गया +5x -6। एक मिनट, नहीं फॉर्मूला में यहां प्लस होता है ना, फॉर्मूला में यहां प्लस होता है तो आप यहां पे भी प्लस करेंगे और यहां पे भी प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मैंने गलती से वहां पे माइनस लगा दिया था, प्लस अल्फा इंटू बीटा और कुछ नहीं करेंगे आप, अल्फा और बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लगा देंगे, हमें अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आराम से मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एक मार्क्स में जनरली पूछा जा सकता है, तो बस आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे।
क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी अगर हम लोग उस पार्ट में अगर जाते हैं, क्योंकि सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एक अलग ऐसा तरह का फार्मूला रहता है जहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरोज रहते हैं, उसको हम लोग अल्फा बीटा गामा मानेंगे। और उसका अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की केस में अगर हमारे तीनों जीरोज गिवन है और क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है तो वहां पे जाके अलग फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन से निकल के एग्जाम्पल नंबर सिक्स के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सिक्स में हमें क्या बोला जा रहा है। अब तो मुझे लगता है वापस उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हू जीरोज इज रूट टू एंड देयर प्रोडक्ट इज -12, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वक्त बदल दिया, हालात बदल दिया, पूरा क्वेश्चन ही उलट दिया। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन ऊपर से करते आ रहे हैं, इसमें हमें सम ऑफ जीरोज, अच्छा मैं डायरेक्टली अगर लिख दूं, अब डायरेक्टली मैं लिख देता हूं सम ऑफ जीरोज, यानी कि दोनों जीरोज को अगर आप अल्फा और बीटा ही मानेंगे, याद रखें, तो सम ऑफ जीरोज हमारा रूट टू गिवन है, तो मैं रूट टू लिख देता हूं यहां पे। साथ में प्रोडक्ट इज -12, यानी कि जो मेरा अल्फा इंटू बीटा होगा ये होगा मेरा -12। ये डेटा हमारे पास गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है हमारा पॉलिनोमियल जिस तरह से अभी हमने ऊपर फाइंड करा। दूसरा हमें फाइंड करना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो बहुत आसान है, इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां पे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इस क्या लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहां पे होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देयरफॉर हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर छाप दिया, अल्फा प्लस बीटा देखो रूट टू है तो यहां लिखेंगे रूट टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है -12, तो प्लस इंटू माइनस एक ही साथ हटा के यहां पे आप चाहे तो लिख सकते हो -12, है ना। तो हमें पॉलिनोमियल क्या मिला, तो पॉलिनोमियल हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स -12, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। इसके साथ हमें अब जीरोज को फाइंड करना है, तो चलो जीरोज फाइंड करते हैं। जीरोज फाइंड करने के लिए ऊपर जो हमने एग्जांपल वन से लेके एग्जांपल फोर तक जो सॉल्व करा ना, उस वीडियो का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें आप जीरोज कैसे फाइंड करते हैं ये आप सीख सकते हैं। चलिए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या हो अगर हमारा एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके हेल्प से हमें उस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है। तो पहले पॉलिनोमियल लिखना होता है, मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स -12। अब हमें एक ट्रिक यूज करना होगा जिसको मैं बोलता हूं सम और प्रोडक्ट वाला ट्रिक। सम में ये बीच वाला नंबर साइन वाइन के साथ, इट मींस माइनस रूट टू एक्स, और प्रोडक्ट में ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला दोनों को मल्टीप्लाई करके मींस -12x स्क्वायर, है ना। उसके बाद ये जो 12 है हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 आता है। अब इन दोनों के हेल्प से, सॉरी इन तीनों नंबर के हेल्प से हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारा सम दैट इज -√2x आए, और जिनको मल्टीप्लाई करके -12x² आए। तो ये तो हिट एंड ट्रायल है, बट दिक्कत कहाँ होगा आपको, दिक्कत होगा इस बीच वाले नंबर में, बिकॉज बीच में अगर रूट लगा हुआ है तो बहुत दिक्कत होता है। चलिए इसको हम लोग डिकोड करते हैं, अगर बीच में रूट लगा हुआ है तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप एफ एक्स को एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रखेंगे, और देखो मेरे पास यहाँ बीच में रूट टू एक्स है, यानी कि इस रूट टू एक्स को, इस जिस मेथड से हम लोग जीरोज निकाल रहे हैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं, इस बीच वाले नंबर को स्प्लिट करते हैं, और जब भी बीच वाले नंबर पर रूट लगा होगा तो स्प्लिट करने के लिए जो दो नंबर्स हम लोग बनाएंगे, याद रहे दोनों के दोनों नंबर में रूट टू एक्स तो रहेगा ही, ये फिक्स है, रूट टू एक्स रहेगा ही दोनों के दोनों नंबर में। अब आप देखिए रूट टू इंटू रूट टू तो हो गया हमारा टू, और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 12। तो अब हमें कितना, दोनों यहां दो नंबर जो रखना होगा उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, सॉरी उसको मल्टीप्लाई करके मुझे 6 चाहिए। अगर मैं यहां 3 लगा दूं और यहां 2 लगा दूं और यहां माइनस और यहां प्लस लगा दूं तो मे बी हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे देखो, तो -3√2 + 2√2 को जब ऐड
करते हैं तो हम लोग माइनस रूट टू ऑप्टेन करते हैं, और माइनस थ्री क्या लिख दिया, और माइनस थ्री रूट टू में से टू रूट टू मल्टीप्लाई करा तो थ्री टू जा सिक्स लिखा, माइनस ऐसे लिख दिया, थ्री टू जा सिक्स, रूट टू इंटू रूट टू टू, इट मीन सिक्स टू जा ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व आ जा रहा है, यानी कि सही है। अब क्या करते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन तो कुछ है नहीं, सिर्फ x है, तो x लिखा और लिखा x माइनस थ्री रूट टू। इन दोनों में कॉमन निकालते हैं तो कॉमन मुझे टू रूट टू तो मिल जाएगा आराम से, तो टू रूट टू को कॉमन निकाल लिया, और बचा क्या, बचा यहाँ पे हमारा x माइनस, अब आप देखिए 12 में से टू रूट टू कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 12 डिवाइडेड बाई टू रूट टू, टू टाइम्स सिक्स चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा सिक्स बाई रूट टू। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिक्स को आप थ्री इंटू टू लिख सकते हो बाई रूट टू, अब ये मेंटली करना है, मैं बस ऐसा ही डिकोड कर दे रहा हूँ, और इस वाले रूट टू को आप दो रूट टू के बराबर ऐसे चाहे तो लिखेंगे, एक रूट टू से एक रूट टू चला जाएगा तो ये बचेगा हमारा थ्री रूट टू, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थ्री रूट टू। इस पूरे में और इस पूरे में मुझे एक ब्रैकेट वाला कॉमन नजर आ रहा है, तो उसको मैं साइड में लिख देता हूँ x माइनस थ्री रूट टू। बचा क्या, ये वाला x बचा और ये प्लस टू रूट टू बचा, ठीक है। तो इतना हमने जो इधर किया इसका कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, जैसे ही आएगा आप चाहे तो यहीं से इक्वल्स टू ऐसे जीरो लगा के काम चला सकते हो, अदरवाइज लिखना होगा देयरफॉर f(x) इक्वल्स टू जीरो, तो ये पूरा इक्वल्स टू जीरो, ऊपर से ही जीरो लगाते हो। क्या करो, जैसे ही स्टेप में आओ, इस कंडीशन पे आओ, और अगर ऐसा करना है तो यहाँ पे इंप्लाइज दैट लगा देना। जैसे ही इस वाले स्टेप में आएंगे तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे x माइनस थ्री रूट टू इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ लिखेंगे x प्लस टू रूट टू इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू थ्री रूट टू पहला वैल्यू, और x इज इक्वल्स टू माइनस टू रूट टू दूसरा वैल्यू। तो ये थ्री रूट टू और माइनस टू रूट टू होता है हमारा आंसर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, एक मिनट कहाँ गया इसका फोटो, शायद मेरे पास है नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन का, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज फोर, एक मिनट ये है मेरे पास एग्जांपल नंबर सेवन 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 सेवन, हाँ ठीक है ओके। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग अब बढ़ जाते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर सिक्स आई होप आसानी था, जिनको डिफिकल्ट लगना रहेगा चाहे ये क्वेश्चन दो चाहे कोई भी क्वेश्चन दो, डिफिकल्ट लगेगा ही। याद रहे एक जो प्राइम फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि आप कितना स्कोर करेंगे, कितना समझ में आएगा, वो इस रास्ते से जाता है जिस रास्ते में आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क दिखाना होगा खुद को, किसी और को नहीं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करो, दो बार ट्राई करो, तीन बार ट्राई करो, चार बार ट्राई करो, ऐसे करते करते ना पांचवें बार में स्ट्राइक करेगा, किक करेगा माइंड में, और लगेगा कि क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। दिक्कत क्या होता है कि बस ऐसे वीडियोज देख लिया और एग्जाम के टाइम पर सीधा सॉल्व करने की कोशिश करा, तो वैसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा आपको बनाना होगा खुद से। चलिए एग्जाम्पल सिक्स से हम लोग निकल जाते हैं और एग्जाम्पल नंबर सेवन के तरफ चलते हैं। देखा जाए एग्जाम्पल नंबर सेवन में क्या है हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज फोर, ये तो बड़ा तिगड़म वाला क्वेश्चन है। एक पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल सिंपल वाला पॉलिनोमियल यहाँ पे कतई नहीं है, ए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स, ये हमारा पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स है ना। सोचो ऐसा पॉलिनोमियल दिखा ही नहीं होगा, बोला गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल का। अच्छा मान लेते हैं अल्फा और बीटा, ये मैं अभी से ही मान ले रहा हूँ, अल्फा और बीटा मैं मान लेता हूँ जीरोज है इस वाले पॉलिनोमियल का, है ना, बस मान लिया अल्फा बीटा। बोला गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल के केस में जो जीरोज का प्रोडक्ट है, बोले तो अल्फा इंटू बीटा है, वो है फोर, ठीक है। हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, फाइंड ए फाइंड करना है, यानी कि ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए, इसको हमें फाइंड करना है। डेटा क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल
जिसमें भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए डाल दिया और बोल दिया कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट है जीरोज का वो फोर है। तो कतई आसान क्वेश्चन है मेरे मित्रों। देखो एक कॉन्सेप्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, वो क्या है दैट अगर आपने किसी भी पॉलिनोमियल एफ एक्स का, मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, आप इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो जीरोज है अल्फा और बीटा, तो दो कंडीशन होते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोज का और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। ये एक तरह से चेक करने के लिए है कि आपने जो अल्फा बीटा एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का निकाला वो सही है। तो क्या करेंगे, जो सम ऑफ जीरोज होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है। यहाँ ए बी और सी क्या है, देखो एक्स का जो भी कोफिशियंट होगा वो ए होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है उसको ए बोलते हैं, एक्स का जो कोफिशियंट होता है उसको बी बोलते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा फोर गिवन है और मुझे यहाँ पे पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोज का प्रोडक्ट होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है। सी बोले तो कांस्टेंट टर्म और ए बोले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो चलिए यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं यूजिंग फॉर्मूला दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, और ये सी बाई ए यानी कि अल्फा इंटू बीटा फोर गिवन है, यही है ना, 4 बाई 1 लिख दो इसको एक तरह से। चलिए अब हम लोग यहां से इस वाले इक्वेशन से C और A फाइंड आउट करते हैं। तो मेरा C कितना है, देखो तो कांस्टेंट टर्म ये है मेरा C माइनस 6, और हमारा A कितना है, देखो तो A को A ही माना हुआ है तो इसको आप A को A ही रखेंगे। तो C का वैल्यू गिवन है आपके पास, आपको ए का वैल्यू चाहिए। तो देखो तो इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन में यहां पे आप क्या करो, पुट कर दो, पुट सी इक्वल्स टू माइनस 6। तो जैसे आप सी इक्वल्स टू माइनस 6 पुट करेंगे तो सी के बदले लिखा माइनस 6 बाई ए लिख दिया, इक्वल्स टू करा 4 बाई 1 क्रिस क्रॉस, ए उधर चला गया तो ए आप लिखेंगे माइनस 6 बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा a का वैल्यू आ गया कितना, माइनस 3/2। और कुछ फाइंड करना था नहीं, बस इसमें सिंपली हमें a फाइंड करना था, तो कुछ था नहीं, बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऐसा बोला जाता है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। 7 हो गया ना, दो क्वेश्चन और हमारे बच रहे हैं, ये एक्सरसाइज वाला सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में आते हैं अब हम लोग, देखा जाए एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है। अच्छा, एक बहुत बड़ा सा पॉलिनोमियल गिवन है, तो करने के लिए तैयार रहना है। बड़ा सा पॉलिनोमियल क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9 और यहां लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। भाई साहब ये हमारा पॉलिनोमियल है ना, क्या बोला गया। अच्छा इसमें मान लेते हैं हम लोग खुद से दैट अल्फा और बीटा जो है जीरोस है, हालांकि वो मुझे नीचे लिखना चाहिए था लेकिन चलो समझाने के लिए यही लिख देता हूं। वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो यहां पे आप इसको यूज कर सकते हो, और अल्फा और बीटा मत मानो तब, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। आप अल्फा को अल्फा मानेंगे, बीटा को 1 बाई अल्फा मानेंगे, वो भी कर सकते हो। ठीक है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि मान लो चलो ना अल्फा को, पहला जो जीरो था उसको हम लोग अल्फा ही मानते हैं, पहला जीरो। बोला गया कि वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा वाला जीरो जो है उस अल्फा के रेसिप्रोकल है, तो बीटा को आप 1 बाई अल्फा मान सकते हो, है ना, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए।
ठीक है, तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, और ऐसे तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा अपने टैलेंट को, स्किल को एनहांस करने के लिए आप चाहे तो इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो अल्फा और बीटा भैया हमारा गिवन है। अच्छा आप देखिए, अगर मैंने 4 लिखा और 4 का रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करा तो मुझे 1 ही मिलेगा ना। मैंने 5 लिखा, 5 के रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 1 ही मिलेगा ना, यानी कि एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे 1 मिलेगा हर केस में। यहाँ पर भी तो वही है भैया, एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, एक जीरो को अल्फा माना तो दूसरा जीरो उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/अल्फा हो जाएगा। अब आप सोचिए इन दोनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन, मैं यहाँ पे अगर अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो देखो अल्फा का वैल्यू अल्फा मान लिया और बीटा का वैल्यू 1/अल्फा मान दिया, तो ये अल्फा अल्फा कट गया ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया, 1 आया। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था दैट अगर एक पॉलिनोमियल हमारा गिवन है तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वो c/a के बराबर होता है। c बोले तो कांस्टेंट टर्म और a बोले तो क्या, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। देख लो यहाँ पे c बोले तो कांस्टेंट टर्म और a बोले तो क्या, x स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है सब a के बराबर है। हम लोग इसको यहाँ यूज करते हैं। देखो हम लोग अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a फाइंड करते हैं पहले, फिर इक्वेट कर लेंगे। तो देखो तो c मेरा क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में अल्फा a b और c यहाँ लिखना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखो x स्क्वायर के आगे ये पूरा है तो ये हमारा a हो गया, a हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 9। x के आगे 13 है तो b हो जाएगा हमारा 13 और कांस्टेंट टर्म मेरा ये है 6a तो c हो जाएगा 6a। हालांकि हमें सिर्फ c/a का ज़रूरत है तो यहाँ से आप c/a उठा के लिखते हैं। c है सर जी मेरा 6a और a है मेरा a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। a स्क्वायर थोड़ा सा मैं ढंग से लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 9। इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना। अब दोनों इक्वेशन आया कहां से, देखो ये वाला इक्वेशन आया यूजिंग फॉर्मूला, ये वाला आया इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला और ये वाला इक्वेशन आया यूजिंग कैलकुलेशन। हमने कैलकुलेट कर लिया दो नंबर्स का रेसिप्रोकल 1 ही होता है तो कैलकुलेट करके हमने देख लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, तो लिखेंगे हम लोग इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2। दोनों इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा यहां 1 के बराबर है, यहां अल्फा प्लस बीटा 6a/a² + 9 के बराबर है, यानी कि ये जो मेरा 6a/a² + 9 होगा ये 1 के बराबर होगा। चलिए ए स्क्वायर प्लस 9 को इधर ले जाते हैं तो लिखेंगे ना 6a = 1 × a² + 9 यानी कि a² + 9। इसको क्या लिख सकते हो, a² - 6a + 9 = 0। हम लोग a फाइंड करने के बहुत करीब आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको इधर कर देता हूं, मुझे इसका स्प्लिटिंग करना है, इसमें से a का वैल्यू चाहिए तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म यूज करते हैं। चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ा के हमें इसको स्प्लिट करना है, तो अब ये तो आसान है, a स्क्वायर अगर आप चाहें तो -3a - 3a + 9 कर दें तो सर जी हमारा काम चल जाएगा। -3a - 3a हमारा हो जाएगा -6a और -3a × -3a - कट गया, 3 × 3 = 9, a × a² यानी कि 9a² आ जा रहा है ना। इन दोनों में आप चाहें तो a कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचेगा a - 3। इन दोनों में आप 3 कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचेगा a - 3 = 0। ऐसे केस में इस पूरे को और इस पूरे को आप क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन दिखाई दे रहा है a - 3 ब्रैकेट वाला उसको निकाल लेंगे, बचेगा आपका ये a और ये -3, तो a - 3 = 0। जैसे ही इस स्टेट में आएंगे कि दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करके आपको 0 मिलेगा, यानी कि दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा, या तो ये पहला वाला a - 3 = 0 होगा या तो ये दूसरा वाला a - 3 = 0 होगा। इस केस में a आपका 3 आ रहा है और इस केस में भी a आपका 3 आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों a के वैल्यू हमारे यहाँ पर 3 ही आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा
ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ठीक है, तो आप सिंपली लिखेंगे a इक्वल्स टू 3, दोनों बार रिपीट नहीं करेंगे। और हम लोग अब एक्सरसाइज के तरफ बहुत करीब आ चुके हैं, और हमारे जो लास्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट वाले एक्सरसाइज के लिए, उसको देखना हम लोग कैसे सॉल्व करना है। और ये रहेगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, वो भी टेढ़ा है, क्वेश्चन सीधा नहीं है एग्जाम्पल 9। ठीक बा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज जीरोज आर, क्या है 1 and -3 या -1 and -3, 1 and -3 है ना। तो जीरोज हमारे 1 और -3 गिवन है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। अब आप इतना समझ चुके होंगे कि अल्फा और बीटा ही दो जीरोज को हम लोग मानते हैं, तो अल्फा है मेरा 1 और बीटा है मेरा -3, है ना। और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन कोफिशियंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दो काम हमें यहां पे करना है, सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, दो जीरोज गिवन है, पॉलिनोमियल फाइंड करना बहुत आसान है। उसके बाद हमें वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन भी आसान है, मैं फिर से उसको करा दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी मजेदार क्वेश्चन। पॉलिनोमियल फाइंड करना है यार, सीधे लिखो ना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, किस इक्वेशन से हम लोग पॉलिनोमियल लिखेंगे, तो लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा और बीटा गिवन है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, वैल्यू लगाते जाओ, एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर छाप दिया, अल्फा है सर जी मेरा 1, बीटा है -3, ब्रैकेट में क्लोज करके एक्स प्लस अल्फा है 1 इंटू बीटा है मेरा -3। इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे जो एफ एक्स है वो मिलेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये -1 और इधर से -2, -2 प्लस 2 एक्स -3 इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू 0 यहाँ नहीं लिखो, बस पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो ये हमारा, हमने बहुत ही ज्यादा आसानी से पॉलिनोमियल अपना फाइंड आउट कर लिया। तो ये पार्ट तो क्लियर हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद वेरिफिकेशन करना है। पूरा क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिफिकेशन के लिए मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर मान लिया जाए जस्ट इन केस कि हमारा एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है और अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, इसके दो जीरोज हैं, तो जो सम ऑफ जीरोज होगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा इंटू बीटा होगा वो सी बाई ए के बराबर होगा। अब यहां पर ए बी और सी क्या है, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी दिखा साइन वाइन के साथ वो हमारा ए होता है, एक्स के आगे जो भी हमें दिखा साइन वाइन के साथ वो बी होता है, और ये हमारा सी कॉन्स्टेंट टर्म होता है। तो हम लोग ये तो फाइंड आउट कर चुके हैं अपने पॉलिनोमियल को, उसके बाद हमें क्या करना है, उसका हमें वेरिफिकेशन करना है। तो देखो क्वेश्चन, अगर मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को तुम बना लो, सिर्फ एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 को बना लो, मुझे लगता है कि 9 के 9 एग्जाम्पल में जितना कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना, 3 कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में हमने वेरिफिकेशन सीखा, हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट में वेरिफिकेशन सीखा। दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा कि अल्फा और बीटा अगर गिवन है तो पॉलिनोमियल कैसे निकालना है, और तीसरा और पता नहीं कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आप तीनों कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने, हाँ, और उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट था जीरोज ऑफ फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि फर्स्ट, फिर से बोलूँ तो पहला हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना पहला कॉन्सेप्ट था, दूसरा था वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोज, वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन, और तीसरा था कि अगर अल्फा और बीटा गिवन है तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए तो मुझे यहाँ पे अल्फा और बीटा पता होना चाहिए ना, अल्फा और बीटा पता होना चाहिए, तो अल्फा और बीटा पता होना है यानी कि हमें जीरोज फाइंड करना है, तब जाके वेरिफिकेशन। तो जीरोज फाइंड करने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो हम लोग एफ एक्स के बदले एफ एक्स ही लिखेंगे, हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर, हमें यहाँ पे चाहिए 2x और यहाँ पे चाहिए -3। अगर मैं
प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री लिख दूं और यहीं से इक्वल्स टू जीरो लिख देना। देखो 3x माइनस टू एक्स करेंगे तो हमारे पास सॉरी 3x माइनस एक्स करेंगे तो प्लस टू का x आएगा, 3x माइनस एक्स करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। तो बहुत आसान था ये, इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन है वो है x, तो बचेगा हमारा x माइनस थ्री। इन दोनों में हमारा माइनस वन कॉमन है। नहीं, यहाँ से हम लोग थोड़ा गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं मे बी, मुझे लग रहा है। माइनस 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 प्लस टू, बहुत अच्छे, माइनस थ्री करा, थ्री एक्स माइनस टू एक्स करा और थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। लेकिन जब मैं यहाँ माइनस वन कॉमन लेने जाऊँगा ना सर जी, अच्छा ये प्लस होगा, प्लस 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 प्लस, ठीक, माइनस वन कॉमन ले लिया तो ये बचा हमारा एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। इस पूरे में और इस पूरे में मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो वो है एक्स, अच्छा यहाँ पे भी तो प्लस होगा। देखो ये वाला स्टेप थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं फिर से करा दे रहा हूँ ना। देखो इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। मुझे इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है एक्स, बचा क्या हमारा एक्स प्लस थ्री। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस वन, बचा क्या एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू हमने लिखा जीरो। इस पूरे में और इस पूरे में एक्स प्लस थ्री मुझे एक कॉमन पूरा ब्रैकेट वाला ही दिखाई दे रहा है, तो एक्स प्लस थ्री साथ में लिखा, बचा क्या, देखो ये वाला एक्स बचा और यहाँ माइनस वन बचा, तो लिखेंगे एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। जैसे ही आप स्टेट में पहुंचेंगे जहां पर दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें जीरो मिल रहा है, तो दोनों में से कोई एक नंबर तो जीरो होगा ही, यानी कि या तो हमारा x प्लस थ्री है वो जीरो के बराबर होगा, या तो x माइनस वन जीरो के बराबर होगा। यहाँ से हमारा x आ जाएगा माइनस थ्री और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू वन। तो दो जीरोज हमारे आगे, माइनस थ्री और वन, मैं पहले बता चुका हूँ, दोनों जीरोज में से किसी भी जीरो को आप अल्फा, यानी कि मान लो इसको हमने अल्फा मान लिया, और किसी दूसरे जीरो को बीटा, यानी कि इसको हमने बीटा मान लिया। आप चाहे तो किसी को भी मान सकते हो, ठीक है, इसका काम है नहीं, क्योंकि अब हमें वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन में याद रहे अल्फा इंटू बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है। तो अब हम लोग करते हैं अपना वेरिफिकेशन का काम शुरू। तो लिखो वेरिफिकेशन, ठीक है, अपना ये वाला पॉलिनोमियल लिख दो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब ए बी और सी, देखो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो वन लिख दिया, ए बी और सी लिखते हैं, तो ए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिख रहा है, वन, तो ए हो जाएगा हमारा वन। बी हो जाएगा क्या, जो एक्स के आगे है, एक्स के आगे प्लस टू है तो सिंपली टू लिख दो, और सी हो जाएगा हमारा माइनस थ्री। साथ में हमने अल्फा निकाला नीचे माइनस थ्री, और साथ में हमारा बीटा जो है वो वन है। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे वेरिफिकेशन में सबसे पहले लिखना होता है ऐसे सम ऑफ जीरोस। अब आप ये पूरा का पूरा सम ऑफ जीरोस नहीं भी लिखे और सिर्फ लिख दे अल्फा प्लस बीटा तो आपका काम चल जाएगा। अल्फा देखते हैं हमारा माइनस थ्री और बीटा प्लस वन, तो माइनस थ्री प्लस वन इक्वल्स टू माइनस टू बाई वन। क्या ये माइनस टू बाई वन माइनस बी बाई ए के बराबर है, अगर मैं माइनस बी बाई ए फाइंड करूं तो कितना होगा, तो माइनस के बदले माइनस लिखा और बी देखो कितना हमारा टू है, तो माइनस टू बाई ए कितना है, देखो हमारा ए वन है, माइनस टू बाई वन, यानी कि माइनस बी बाई ए माइनस टू बाई वन के बराबर है, और अल्फा प्लस बीटा भी माइनस टू बाई वन के बराबर है, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस टू बाई वन के बराबर है, ये माइनस बी बाई ए के बराबर भी होगा सर जी। तो यही तो प्रूफ करना था, दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अच्छा, इसके बाद हमें फाइंड करना है, वेरीफाई करना है सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला केस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए अल्फा इंटू बीटा करना होगा। अल्फा कितना है सर जी, देखो माइनस थ्री, तो माइनस थ्री करा, और बीटा कितना है सर जी, वन, तो माइनस थ्री इंटू वन इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई वन। अल्फा इंटू बीटा हमें सी बाई ए के बराबर दिखाना होता है, और सी कितना है हमारा, देखो तो माइनस थ्री है और ए कितना है, वन है, तो माइनस थ्री बाई वन क्या सी बाई ए के बराबर है, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा हमने माइनस बी बाई ए के बराबर और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर वेरीफाई कर दिया। इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो अगर आप सिर्फ इस क्वेश्चन को दो बार चार बार पाँच बार प्रैक्टिस कर लो
तो बाकी सारा का सारा इस एक्सरसाइज इस एग्जांपल के सेट में टोटल 9 क्वेश्चन था। 9 में से हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बनाने से मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।